हिंदी में लिखा हुआ है इसके अंदर मारुति। मारुति का लोगो कुछ इस तरह से आता था। इसमें थोड़े बड़े इंडिकेटर्स आते थे जो कि रेक्टेंगल, इसमें थोड़ा राउंड शेप में छोटे इंडिकेटर्स आते हैं। और ये कार्बोरेटर इंजन है, अप्लाई करता है ये गाड़ी का हार्ट, यही है और यही। देख रहे हो जगजीत सिंह ब्लॉग। जिवें कि आपां पिछली वीडियो च दस्सिया सी कि आपां रिव्यू करांगे 01 ते 02 दा। जिहड़ी कि अपनी 01 है इह हैगी 1996 मॉडल, ते जिहड़ी अपनी 02 आ इह हैगी 2006 मॉडल। ते आपां करदे रिव्यू, ते रिव्यू करनगे अपने आशीष भाई जिहड़े कि दिल्ली तों बिलोंग करदे, ते इस लई आ वीडियो हिंदी च होगी। ते चलो आपां वीडियो नूं शुरू करदे। सब गाइस, स्वागत है आपके एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में हमारे जगजीत भाई ने बताया ही होगा कि आज हम दोनों गाड़ियों का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि पहली कार है हमारी मारुति 800 1996 मॉडल BS2 कंप्लाइंट इंजन के साथ आती है, और जो कि हमारी सेकंड कार है मारुति 800 2006 मॉडल जो कि BS3 कंप्लाइंट के साथ आती है। तो आज हम इन दोनों गाड़ियों का रिव्यू करने जा रहे हैं और डिफरेंसेस करेंगे कि बताएंगे आप लोगों की कि इन दोनों गाड़ियों के बीच में क्या डिफरेंस है। और इसके लिए हमने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट है बॉडी, सेकंड है इंटीरियर और थर्ड है इंजन। तो सो गाइज, हम अपना पहले टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे फ्रंट साइड से, आप पहला हमारा आता है बम्पर। आप बम्पर देखेंगे, इस गाड़ी का जो है फ्लैट बम्पर है और उसका थोड़ा कर्व है। इसके अंदर हमारी पार्किंग लाइट आती है, उसकी जो हमारी हेडलैम्प के अंदर ही पार्किंग लाइट आती है। बताना चाहेंगे लाइट, इसमें जो लाइट है इसमें जो ग्लास लाइट है, और उसके अंदर हम आपको बताना चाहेंगे इसमें प्लास्टिक लाइट आती है। तो दोनों ही रेक्टेंगल, बट दोनों की थोड़ा साइज में थोड़ा डिफरेंस है। और इसके अंदर थोड़ा हम जो आपको बताना चाहेंगे इंडिकेटर्स, इसमें थोड़े बड़े इंडिकेटर्स आते थे जो कि रेक्टेंगल, इसमें थोड़ा राउंड शेप में छोटे इंडिकेटर्स आते हैं। दोनों में ही बॉडी इंडिकेटर्स आते हैं जो कि इसकी बॉडी में आते हैं। पहले मारुति बॉडी के अंदर ही इंडिकेटर दिया करता था, मारुति का लोगो कुछ इस तरह से आता था। ये एम शेप में थोड़ा लगता है जो कि मारुति का जो पहले लोगो। तो मारुति सुजुकी जब दोनों अलग हो गई, उसके बाद सुजुकी अपना लोगो ऐसे बनाने लगा इन गाड़ियों के ऊपर। तो आज तक सुजुकी इस टाइप का, मारुति सुजुकी जो है इस टाइप का ही लोगो देता आ रहा है अपनी गाड़ियों में, और इन फ्यूचर देखते हैं कि वो कुछ चेंजेस करता है इस लोगो के लिए या नहीं। और हम ग्रिल का भी डिफरेंस देख सकते हैं, इस मॉडल की ग्रिल्स कुछ डिफरेंट टाइप की है, उस मॉडल की ग्रिल थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। इसका बोनट भी आप देख सकते हैं, थोड़ा फ्लैट है, वो थोड़ा कर्व है। उसके सारे, उस गाड़ी के सारे पैनल्स वगैरह जो भी है, डोर्स वगैरह सारे कर्व ही आते हैं, इसमें जो है सब फ्लैट आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड से, जैसे कि आप इसके डोर्स पैनल्स सब देखेंगे थोड़े फ्लैट टाइप में है, और उस गाड़ी का जो डोर्स पैनल्स वगैरह जो भी है थोड़ा कर्व में है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका थोड़ा कर्व में है, और आप इसकी थोड़ा डिग्गी भी देख सकते हैं। डिग्गी जो होती है, इसकी डिग्गी जो है थोड़ा, जो इसका प्रीवियस मॉडल था जैपनीज मॉडल उसके साथ की आती है। इसका ग्लास भी थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा बड़ा है। और इस गाड़ी का आप देख सकते हैं इसका ग्लास थोड़ा छोटा है, और ये इसका थोड़ा चेंजेस हैं, थोड़ा इसमें बम्पर में भी चेंजेस है। उसका फ्लैट बम्पर है, इसका कर्वी बम्पर है। इसके हेडलाइट में भी चेंजेस है, उसमें थोड़ा पुराने मॉडल की हेडलाइट आती है, इसमें थोड़ा न्यू मॉडल की हेडलाइट आती है। तो सेकंड हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंटीरियर। हम दोनों गाड़ियों का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। ये हमारी फर्स्ट मॉडल कार है जो कि मारुति, देख सकते हैं आप। ब्रांड नेम भी इसमें हिंदी में आता था उस टाइम पर। ये काफ़ी आप डैशबोर्ड से देख सकते हैं आप कितना पुराना डैशबोर्ड है इसका सारा। आप ओपनिंग डोर का जो पुल वगैरह, जो भी इसका शीशे की मैकेनिज्म है, जो भी डोर हैंडल वगैरह, हैंड ब्रेक, गियर्स वगैरह से आप देख सकते हैं ये कितना पुराना मॉडल। आपको इसके देखने से ही पता लग जाएगा। इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं इस टाइप में ही आता था, कुछ खास नहीं आता था ना इसमें, कुछ ज़्यादा फीचर्स वगैरह ABS वगैरह उस टाइम कुछ नहीं आता था, बस लो फ्यूल वगैरह भी नहीं आता था उस टाइम पर। तो अब हम अपनी दूसरी कार का इंटीरियर आपको दिखाते हैं आपको 10 साल के अंदर अंदर मारुति ने अपनी गाड़ियों में क्या चेंजेस किए थे। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि देख सकते हैं मारुति का, इसका लोगो भी देख सकते हैं, इसका इंग्लिश में आ गया था मारुति उस टाइम पे, और इसका आप सारा डैशबोर्ड देख सकते हैं। इसके अंदर एक स्टोरेज भी एक्स्ट्रा आ गया था उस टाइम में। उस टाइम में मारुति AC देने लग गई थी, इसके अंदर AC हीटर बहुत है, दोनों है,
सब बाकी सब सेम ही है, बस थोड़ा बहुत इन्होंने चेंजेस किए थे। अब ब्रेक लीवर्स वगैरह सब देख सकते हैं आप इसके अंदर, हैंड ब्रेक वगैरह बाकी सब कुछ सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आए थे जैसे कि लाइट एडजस्ट करना ये सब वगैरह, लो फ्यूल इंडिकेटर्स वगैरह इसमें आ गए थे उस टाइम पे। और अब हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है इंजन। तो अब हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इंजन है। तो आपको अब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इन दोनों गाड़ियों का Type 1 और Type 2 क्यों कहा जाता था, और इस 10 सालों के अंदर अंदर मारुति ने क्या क्या इसमें चेंजेस किए थे। तो अब मैं अपना बूट खोल के दिखा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं आपको दिखाता हूँ Type 1 इंजन, और ये हमारा Type 2 इंजन। सो गाइस, आज ही आपको इंजन दिखाते हैं कि क्या क्या इन दोनों गाड़ियों के इंजन में डिफरेंसेस है। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इंजन है 3 सिलेंडर इंजन है और ये कार्बोरेटर इंजन है। इनका जो BHP है 37 BHP और 59 Nm टॉर्क आता है इन दोनों गाड़ियों में। पावर और टॉर्क जो भी है, BHP टॉर्क दोनों सेम है। और इनके इंजन डिस्प्लेसमेंट जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 796 CC आता है। दोनों सेम इंजन है, सेम ही पावर और सेम ही CC करते हैं, बट इसमें ये चेंजेज है, इसके अंदर जो है हमारा कार्बोरेटर आता है Type 1 में, तभी इसे Type 1 कहा जाता है। और जो हमारा Type 2 है इसमें हमारा EFI आता है, आप देख सकते हैं ये भी सेम ही CC का इंजन है और ये सेम ही 37 BHP और 59 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये बट ये इसमें डिफरेंस दोनों में यही है, उसमें कार्बोरेटर आता है, इसमें आपका जो है ये EFI आता है। इसके अंदर थोड़ा वर्टिकल टाइप में आता है, उसमें हॉरिजेंटल टाइप में, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर ये एयर फिल्टर है, इसका कार्बोरेटर नीचे है, ये आप देख सकते हैं इसमें कार्बोरेटर नीचे है। और ये इसमें हॉरिजेंटल टाइप में इसका एयर फिल्टर आता है, उसमें थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से कंपनी ने ऐसे दिया होगा। और इसके अंदर आपको एक और दिखाना चाहूँगा डिफरेंस में, जैसे कि आप बताऊंगा उस टाइम पे मारुति ने एक बहुत बड़ा चेंज भी किया था, जैसे कि इसमें विंडो क्लीन करने के लिए वाटर जो आता है वो ये अंदर मिलता है इसका, और उसके अंदर उसका डिग्गी के ऊपर जो हमारा बोरनट होता है, अरे कहना क्या चाहते हो? बोरनट के ऊपर ही मिलता है, आप देख सकते हैं जो डिफरेंसेस है बताना चाहेंगे जो कि काफी नॉर्मल है। जैसे कि हम पहले अपना बात करते हैं शॉकर्स की, शॉकर जो कि है इसमें कॉइल स्प्रिंग गैस फिल्ड शॉक अब्जॉर्बर आते हैं दोनों में फ्रंट साइड, बट इसमें बैक साइड जो कि 1996 मॉडल में जो कि हमारे पुराने टाइप के जैसे जिसे पटा भी बोलते हैं उस टाइप का शॉक अब्जॉर्बर आता है, बट जो हमारा ये 2006 मॉडल है उसमें कॉइल स्प्रिंग ही आता है विद गैस फिल्ड शॉक अब्जॉर्बर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे जो मारुति जो हमारे टायर देता था पुराने वाले वो 12 इंचज आते थे, बट अभी इस टाइम पे इन दोनों गाड़ियों में 13 इंचज अलॉय डले हुए हैं जो कि हमने आफ्टर मार्केट मॉडिफाई किया हुआ है। और जो पहले आता था जो इसके अंदर 12 इंच आता था, बट अभी हमने 13 इंच किया हुआ है। और आपको काफ़ी सारी आगे भी हम ऐसे ही कुछ नई नई वीडियो बना के और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।